आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। आप वेबसाइट पर आकर के मॉक टेस्ट एग्ज़ाम है और दे सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। आप यहां जाकर के अपनी मॉक टेस्ट की एग्ज़ाम और दे सकते हैं। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखने को मिलता है, क्लिक हियर ओके फॉर मॉक टेस्ट लिंक फॉर सीबीटी एग्ज़ाम। हूँ इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी की। 2019 में 103,739 पदों पर इसका रिक्वायरमेंट है और जारी किया गया था, और आप लोगों ने भी इस वैकेंसी में फॉर्म है और फिल किया था। तो इस वीडियो में हम जो सीबीटी एग्ज़ाम है ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप देना सीखेंगे। क्या क्या प्रोसेस रहेगी, आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण निर्देश है उनको पढ़ना आवश्यक है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को जो रेलवे ग्रुप डी की सीबीटी एग्ज़ाम है वह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देना सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है जिन्होंने अभी तक सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिए, तो यह वीडियो उन लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करता हूं। ओके, आप जैसे ही सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहेगी। ओके, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आधार वेरिफिकेशन आपका होगा। जैसे आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपको एक सिस्टम नंबर दिया जाएगा। ओके, आपका जो भी कंप्यूटर है वहाँ का सिस्टम नंबर शो हो जाएगा, और आपको जो सिस्टम नंबर में ओके आपका यहाँ पर सिस्टम नंबर शो हो जाएगा। जैसे कि आपका जो भी कंप्यूटर का जो भी नंबर हो आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर सिस्टम नंबर 1 ओपन हुआ है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर दाएं साइड देखेंगे ओके राइट साइड, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो शो होगी। आप देख सकते हैं फ़ोटो शो होगी, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आपका नाम शो होगा, कैंडिडेट नेम। ठीक है, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो ऑलरेडी यहाँ पर टाइपिंग रहेगा। ओके, टाइप किया ऑलरेडी रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है। ओके, आपको सिर्फ जो टाइप करना है आपके पासवर्ड, तो यहाँ पर एक कीबोर्ड दे रखिए, इस पर क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है वह टाइप करेंगे, या फिर आप मैन्युअली भी आप अपना पासवर्ड है वह एंटर कर सकते हैं। दोनों तरीका है आपके सामने। ओके, आप माउस के माध्यम से कर्सर को यहाँ पर लाइए, या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, कर्सर को यहाँ पर लाइए और पासवर्ड है और टाइप कीजिएगा। आपको पासवर्ड क्या टाइप करना है, आपको अपना पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1998 है तो आपको टाइप करना है 01012000। इस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है वह टाइप करना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप कीबोर्ड है ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे 01012000 इस प्रकार से टाइप करना है आपको, या फिर आप मैन्युअली भी कीबोर्ड के माध्यम से आप अपना जो पासवर्ड है और टाइप कर लीजिएगा। आपके जो लॉगिन आईडी है, जो रोल नंबर है, वो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स, अपना पासवर्ड डाल करके साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, आपको अपना सिस्टम नंबर पर बैठने से पहले आपको अपना सिस्टम नंबर ज़रूर चेक कर लेना है, आपको अपना फ़ोटो देख लेना है, अपना नाम देख लेना है। ओके, उसके बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आप साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपके सामने एक महत्वपूर्ण निर्देश आएगा। ओके,
इस निर्देश में आप फ्रेंड्स आप अपनी जो लैंग्वेज है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपनी लैंग्वेज यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यह महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा है, यहाँ पर आपको टाइमिंग शो होगा आपका एग्ज़ाम है, टाइमिंग का मिनट शो होगा आपका परीक्षा, कुल अवधि का समय 90 मिनट आपको दिया जाएगा, कुल 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर आपके रहने वाले, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक का उत्तर सही उत्तर होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे यानी कि आपका माइनस मार्किंग रहेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1.3 अंक कम हो जाएगा। ओके, अगर आप तीन प्रश्नों को आप गलत करते हैं तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। ओके, तीन प्रश्न गलत करने पर आपका एक अंक काट लिया जाएगा। अपना उत्तर सहेजने के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद सेव और नेक्स्ट का बटन पर आपको क्लिक जरूर करना है, नहीं तो आपका उत्तर सहेजा नहीं जाएगा। ओके, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको जरूर क्लिक करना है, नहीं तो आपका जो प्रश्न है वो सेव नहीं होगा। ओके, तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वह ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जो लैंग्वेज है वह सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर एक समय में एक ही प्रश्न दिया जाएगा। आठवां ऑप्शन है परीक्षा पूर्ण करने के लिए आपके पास समय स्क्रीन पर ऊपर दिए गए कोने में काउंट टाइम के जरिए दिखाया जाएगा या सेस टाइम को टाइम लेफ्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा। परीक्षा की शुरुआत में टाइम में 90 मिनट ओके का समय प्रदर्शित होगा जो समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। टाइम के शून्य तक पहुंचने पर परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी और आप परीक्षा को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सबमिट कर दिया जाएगा। ओके, अगर आप सबमिट नहीं करते हो जो आपके एग्ज़ाम टाइम के समय तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। बी में भी महत्वपूर्ण नोटिस दे रखे हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। सिंबल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह निर्देश आपको पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक महत्वपूर्ण निर्देश और आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयडा CBT के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फेस मास्क लगाकर आए, कोविड-19 का पालन करें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आपको देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट चूज योर डिफेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है हिंदी इंग्लिश। ओके, ये सिलेक्ट करना अनिवार्य फ्रेंड्स, इसकी गलती आप ना करेगा। ओके, अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो प्रश्न हैं वो सारे इंग्लिश में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपकी एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में शुरू होगी, तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट जो योर डिफिकल्ट लैंग्वेज यहाँ पर आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी हो तो। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, आई एम बिगन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वह स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और 120 मिनट का यहाँ पर देखिए टाइमिंग शो हो रहा है, विकलांग कैटेगरी जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया है, वह 120 मिनट तक अपना एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अदर कैटेगरी है यहाँ पर 90 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये निर्देश आपको पढ़ना और इनका नॉलेज आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा है, इनको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा और चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी कर लिया। ठीक है, चेकबॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं चेकबॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है,
इस प्रकार से आप क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आई एम रेडी टू बिगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग शो होगा, उसके बाद यहाँ पर मेरी फ़ोटो रहेगी, नाम शो होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न मेरे सामने एक ओपन हो चुका है। नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भी थे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो आपके पास अगला प्रश्न आ जाएगा, निपा एक क्या है? जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, निपा क्या है, सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो आपको यहाँ पर जो भी उचित आंसर लगता है वह सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। EOS 01 क्या है? यहाँ क्या है तो आप सिलेक्ट करेंगे सही ऑप्शन और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास सामने एक अगला ऑप्शन आ जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आप अपना ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, मैंने अपना आंसर आंध्र प्रदेश सिलेक्ट किया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, मेरे पास अगला जो ऑप्शन है वो आ चुका है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? मान लीजिए कि इस प्रश्न को मुझे नहीं करना है और अगले प्रश्न पर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि सातवें प्रश्न पर जाना है तो सात वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सात वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे निकट स्थित है? कहाँ पर निकट स्थित है? तो जहाँ पर है उस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आठवें प्रश्न पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा छठा प्रश्न रेड शो हो रहा है, यानी कि इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। तो मैं इसी छः वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक किया तो मैं छः वाले प्रश्न पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं छः प्रश्न का आंसर दूँगा जो भी है। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर छः का आंसर दूँगा, ये देखिए मैंने छः प्रश्न का आंसर दिया है तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हो चुका है। ओके, ग्रीन हो चुका है मतलब इसका आंसर मैंने दे दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न मेरे सामने आ चुका है, ओके, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न मेरे सामने आया, फिजिकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो जिससे भी संबंधित है आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे या फिर इसको मार्क के लिए भी आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस मार्क के लिए भी रख सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नौ वाले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर नौ पे आ चुका हूँ और ये बैगनी हो चुका है, यानी मैंने इसका आंसर सबमिट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आठवें वाले ऑप्शन पर दोबारा जाऊँगा, इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ ग्रीन हो चुका है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं वापस नौ वाले प्रश्न में जाएँ, किलो घंटा किसकी इकाई है? ये जो भी ऑप्शन है आपके सामने सही है, इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऊपर आप देख सकते हैं आपका टाइमिंग शो होगा, आपका एग्ज़ाम समय यहाँ पर चलता जाएगा, आपको अपने लिमिटेड समय के अंदर आपको अपने 100 प्रश्न है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आपको देना है। ओके, तो यहाँ पर टाइम का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप सारे प्रश्न ग्रीन हो चुके हैं या नहीं इन प्रश्नों को भी आप देखिएगा। आप प्रश्न नंबर हम 11 पे आ चुका, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशेष में सहायक होता है कैल्शियम के लिए? तो
मैं अपना ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो ऐसे फ्रेंड्स आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ओके, और अगले प्रश्न पर आएंगे। तो मैं अपना प्रश्न इस प्रकार से सिलेक्ट करता जाऊँगा और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर देखिए प्रश्न मेरा 10 नंबर यहाँ पर रेड शो हो रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं 10 नंबर पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 10वें प्रश्न पर आ चुका हूँ। लैक्टिक अम्ल मुख्य किस में पाया जाता है? तो मैं अपना आंसर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट जैसे किया मैंने तो यहाँ पर हरा हो चुका है। इस प्रकार से आप जैसे प्रश्न का आंसर देंगे तो वह ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो आपको अपने जो प्रश्न है फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप और सावधानीपूर्वक ये प्रश्नों के आंसर है वो देना है। मैं प्रश्न नंबर 13 पे आ चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु निम्न नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी है। तो आपका आंसर ऐसा कि कर्सर को यहाँ पर लाइए, माउस के माध्यम से आपको कर्सर चलाना है और सिलेक्ट करना है ऑप्शन को और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले वाले प्रश्न पर आ जाएंगे। ओके, अंतिम जैन तीर्थक कौन थे? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो भी था इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से अपना एग्ज़ाम है वो देना है। फाइनली आपको क्या है सबमिट बॉक्स पर कब क्लिक करना है? जब आप सारे एग्ज़ाम है वो दे जाएंगे। ठीक है, आप एग्ज़ाम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, आप 100 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो सबमिट बॉक्स का बटन है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे और आपके जो आंसर है वो सबमिट कर देंगे, या फिर आप सबमिट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो प्रश्न है सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपना जो टाइमिंग है इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 90 मिनट के अंदर आपको सभी प्रश्नों के आंसर है वो जल्द से जल्द पूरे करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप CBT एग्ज़ाम में देना सीख चुके हैं, आप इस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में वो देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।